snow. It was fully covered in snow, 7 feet of snow, almost like about 8-9 feet of snow. I was covered till here, till snow, like snow. And this is a new member of the family. His name is Oreo, our second dog. And I got him on my birthday as a gift. And also, guys, make sure to subscribe to my YouTube channel. And let's start the video. थोड़ी देर के लिए रुके हैं, लाइक इन द सेंस आगे हमें पता लगे बहुत ज्यादा स्नो है पूरी रास्ते ही, सो उधर के लिए स्नो चेन्स लग रही है एंड बाहर जाते हैं पूरी स्नो सारी रोड पे भी है, सो लेट्स सी. लुक, दिस इज सो फन. यहाँ पर देखो ऐसे स्नो चेन्स लग रही हैं सारी गाड़ियों में. लुक एट द व्यू, लुक एट द स्नोफॉल. The amount of snow हमें पता लगा है यहाँ पर 7 feet snow है. Even गाड़ियाँ like gypsies they are fully covered of snow और उनके ऊपर भी like 2-3 feet snow है. So और हम आज मंडे है, हम सैटरडे को आए थे इधर एंड सैटरडे से इट्स कंटिन्यूसली स्नोइंग एंड मैंने पहली बार स्नोफॉल देखी है विच इज जस्ट सो ऑसम. जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्नो. Guys, just look at the amount of snow. This is about 7-8 feet of snow जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ. Snow में very important is not to get wet. And how you do that is basically by wearing snow jackets and snow shoes. What I learning did was मैंने सबसे पहले thermal पहना था, उसके ऊपर I wore a very very warm top and then I wore snow jackets. वार्म टॉप एंड स्नो जैकेट मैंने एंड इवन थर्मल मैंने डीकैथलॉन से बाय करा था एंड स्नो शूज ऑल्सो. स्नो सॉक्स भी आती है लाइक वेरी वेरी वार्म सॉक्स, वो भी सॉक्स पहननी होती है. फॉर लोअर्स व्हाट आई डिड वाज आई वोर थर्मल एंड लोअर थर्मल एंड देन आई वोर वाटर प्रूफ पैंट्स, स्नो पैंट्स. स्नो बेसिकली पानी होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गेट वेट. फॉर दैट अगर आप वेट हो जाओगे तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बाय स्नो शूज, वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स जिससे आप गीले ना हो एंड देन यू डोंट फील वेरी वेरी कोल्ड. 14 feet ऑफ स्नो है इवन यहाँ पर -14-15 तक जा रहा है. सो इट्स जस्ट सो सुपर कोल्ड. हमने इतनी सारी लेयरिंग करी हुई है, वी आर वेयरिंग अबाउट 4-5 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स और मुझे अभी इतनी ठंड लग रही है मैं अंदर जा रही हूँ. यहाँ पर इग्लूज भी हैं सो वी आर ऑल्सो गोना स्टे इन इग्लूज. हम कल आए थे इधर सेतन में बट उससे पहले हम मनाली में थे एंड मनाली में इट वॉज -5 degrees. अभी इस मंडे है और सैटरडे को जब हम मनाली पहुँचे थे वहाँ पर -5 चल रहा था और अभी और तब से सैटरडे से इधर स्नोफॉल हो रही थी मनाली में तो कंटिन्यूस स्नोफॉल चल रही है. इवन हमने इनसे पता लाइक इधर लोकल्स से पता लगा है हमें बेसिकली सेतन इज़ अ विलेज ओके. सो हमें इनसे पता लगा है दिस अमाउंट ऑफ स्नो जितना आप देख रहे हो दिस मच अमाउंट ऑफ स्नो विल कंटिन्यू लाइक टिल मार्च. द कम्युनिटी हॉल इन विच वी आर एंड यहाँ पर सिगरी चल रही है तो विच इज़ कीपिंग अस वेरी वार्म. यहाँ पर इवन ऐसे हम बैठे हुए हैं अभी तो सब एक कर दिया है क्योंकि देखो गाइस यहाँ पर इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स हैं. वी हैव ऑमलेट देन ब्रेड देन ऑल्सो कॉलेज
गर्म पानी, दूध, कॉफी, ऑल ऑफ द स्टफ। चलो हम लोकल से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इधर का वेदर एंड हाउ दे स्टे, हाउ दे सर्वाइव इन सो मच ऑफ कोल्ड। हम तो दो दिन से आए हैं, अभी से हमारी इतनी टफ हो गया हमारा इधर स्टे करना, बट दे तो लाइक स्टे हियर फॉर एवर राइट। तो इनसे मतलब लेट्स टॉक टू देम, लेट्स सी हाउ दे सर्वाइव इन हियर एंड आप थोड़ा व्यू भी इंजॉय करो, इट्स वेरी प्रिटी। सो गाइस इनका ये शॉप है वेयर दे आर like selling all of the stuff, इनका ये शॉप है। दिस इज इतना ही है गाइज, दिस इज वो देखो वहाँ पर स्नो गिर रही है ठीक से, एंड दिस इज बेसिकली 100 meter, जस्ट 100 meter सेतन विलेज। और चलो हम इनसे बात करते हैं, ये इनकी शॉप है, ऊपर देखो कितनी सारा आइस कलेक्ट हो गई है और सारा ये देखो है इनकी शॉप के आगे सारा स्नो गिर गई है। देखो सारे देवदार एंड क्रिसमस ट्रीज ही हैं, वो देखो गाइस सामने कितना प्रिटी व्यू है। इवन देखो ऑल ऑफ द ट्रीज आर कवर्ड इन स्नो, और यहाँ पर बता रहे हैं जो ट्रीज हैं यू कैन नॉट लाइक कम नियर द ट्रीज और एनी शॉप लाइक दिस, स्नो आपके ऊपर गिरती है, सो विच इज़ वेरी रिस्की गाइस। यहाँ पर हस्कीज भी हैं, काफ़ी सारे डॉग्स जो मुझे ऑल द लाइक माउंटेन डॉग्स हैं, एंड मैंने पहली बार एक माउंटेन डॉग देखा है इन माउंटेन, जनरली अपने सिटीज में तो देखी हैं बट माउंटेन में पहली बार देखा है। तो देखो इनके पास ये टूल्स हैं फ्रॉम विच दे आर क्लियरिंग ऑल ऑफ द स्नो। जैसे इधर ये बर्फ कितनी देर तक होती है? बर्फ तो मार्च तक रहती है। मार्च और स्टार्ट कब होती है? स्टार्ट इस साल तो लेट हुई है स्टार्ट। अच्छा, इस साल तक तो मतलब नवंबर 15 से स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब आधा साल बर्फ रहती है, और इधर गर्मी तो होती नहीं होगी? बिल्कुल तो होती है। होती है गर्मी? अच्छा ओके। और जब जैसे बर्फ पिघलती है तो कितनी दिक्कतें आती है? दिक्कत तो नहीं रहती है, बस सिर्फ पानी का रहता है। हाँ, और जैसे अभी आपकी इधर शॉप है पूरा इसके नीचे, और जैसे बर्फ गिरती है तो ये सारा साफ करना कैसे करते हैं? तो फिर इसे साफ कर लेते हैं जैसे। अच्छा, और आपने जैसे हम तो आए हैं, हमें तो फिर भी इतनी ठंड लग रही है, हमने स्नो बूट्स सब कुछ पहना है, ग्लव्स भी इतने मोटे हम कैरी कर रहे हैं, आप तो बिना ग्लव्स कैसी खेल रहे हो? तो हो गए बचपन से हमारा यही पर है ना। अच्छा, और ये आपका जैसे सेतन गांव जो है कितने किलोमीटर या कितने मीटर है? 2700 meter है ना? नहीं नहीं, कितना एरिया? 100 मीटर उसका है ना ये पूरा एरिया? हाँ। और फीट कितने फीट है? 2700 meters आप बता रहे, तो करीबन 14,000 feet हो गया कुछ। हाँ, और जैसे इधर इतनी ठंड होती है तो जैसे गर्मियाँ होती है तो बहुत गर्म नहीं होता होगा ना? जैसे तो बहुत गर्म, मतलब धूप पड़ेगी तो बहुत एकदम से सनलाइट आ जाती है ना। अच्छा, और जैसे बर्फ पे जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो हमें कई लोगों ने बताया बर्फ पे जब धूप पड़ती है तो आंख लाइक आईज में प्रॉब्लम हो जाती है कुछ। हाँ, क्योंकि स्नो वाइट है ना। हाँ, तो फिर उससे आंख में वो पड़ जाता है, आप गॉगल लगा के। हाँ, बिल्कुल वाइट है तो फिर वो आंख में लगती है। ओके, थैंक यू। सभी हम स्नो ड्राइव के लिए जा रहे हैं, वेरी एक्साइटेड फॉर। हमारा जो 20 hours का कन्वॉय है वो तो चला गया है, हम जिप्सी में आ रहे हैं बिकॉज हमारी स्नो चेन उतर चुकी है एंड स्नो पे हम चलाएंगे गाड़ी, तो फिर स्नो चेन की तो जरूरत होगी, बट हम जिप्सी में जा रहे हैं, सो ओपन जिप्सी है पूरी, यहाँ से गोना एंजॉय द व्यू, बहुत मजा आएगा, सो लेट्स गो। अब छोड़ दो, ये देखो गाइस हमारे साथ डॉग भाग रहा है, द व्यू इज जस्ट लाइक सो प्रिटी। ये देखो सारा वो एक डैम है वहाँ पर, एंड इट इज ऑल्सो फुली कवर्ड इन स्नो। यहाँ पर दिस इज अबाउट 14 feet ऑफ स्नो, तो यहाँ पर इतनी ठंड लग रही है, एंड हम भाग के आए हैं। ये देखो गाइस, दिस इज अवर डैम। ये देखो गाइस, यहाँ पर अभी डॉग्स गए हैं, साइबेरियन हस्की वगैरह वगैरह गए, जर्मन शेफर्ड, और
ये देखो ये हाल है इधर आके, एंड पूरा स्नो में धंसना है। सो अब वापस चलते, ठंड लग रही है यहाँ पर, चलो। और सो गाइस बेसिकली अभी जब हम गए थे उधर स्नो ड्राइव करने, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी एंड अभी चार्ज कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर बहुत ठंड है तो ठंड में बैटरी जल्दी वो होती है, ख़त्म होती है। सो अभी हम जा रहे हैं कम्युनिटी हॉल में डिनर करने, एंड यहाँ पर गाइस अभी भी कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है। जस्ट लुक एट द व्यू, इतनी ठंड है यहाँ पर। Make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel, and I'll meet you in my next video. Till then, bye bye.